5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए, 3 में बीजेपी की जीत हुई, तेलंगाना में कांग्रेस की और मिजोरम में ZPM पार्टी की जीत हुई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि आखिरकार 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद इंडिया गठबंधन का आगे का क्या कदम होगा, क्योंकि हमने भी देखा और आपने भी देखा कि जिस वक्त चुनाव होने वाले थे उससे कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने बहुत पुरजोर कोशिश की कांग्रेस को 3 राज्यों में खड़ा करने की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसके बाद अब इंडिया गठबंधन में एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है कि अब आगे क्या। इसके साथ आपको बता दें कि मल्लिका अर्जुन खड़गे ने इंडिया अलायंस की दिल्ली में एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में हो सकता है सीट शेयरिंग को लेकर बात हो, क्योंकि इससे पहले भी इंडिया अलायंस की 3 बैठकें हो चुकी हैं, पहली पटना में, दूसरी बैंगलोर में और तीसरी बंबई में। लेकिन इस बैठक से पहले बहुत बड़ा सवाल आ गया है, नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साफ कह चुकी हैं कि उनको इस मीटिंग के लिए नहीं बुलाया गया है, तो ममता बनर्जी भी इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगी। इसी के साथ अखिलेश यादव कांग्रेस पर पहले ही बयान दे चुके हैं, उन्होंने कहा कि परिणाम आ गए हैं तो अब अहंकार भी टूट जाएगा। अब परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। हमारे पत्रकार साथी, परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। अब परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। हमारे पत्रकार साथी, परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। तो अखिलेश यादव के आने पे भी बहुत ज्यादा संशय बना हुआ है कि अखिलेश यादव इस मीटिंग में आएंगे कि नहीं। इन सूत्रधार ने ही उस गठबंधन का बंटाधार भी किया है, इनसे ही शुरुआत हुई थी उस गठबंधन की, और आज हालत देख लीजिए इस गठबंधन की क्या हुई है। ना घटक दल एक साथ आते हैं, बल्कि इनके मुद्दे भी इतने विफल रहे, जिसकी वजह से 3 बड़े राज्यों में और देश की एक बड़ी आबादी ने इनको नकारने का काम किया। इसके भी जिम्मेदार मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि 6 दिसंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में जो इंडिया अलायंस की 4th बैठक बुलाई थी वो फिलहाल टल गई है। ऐसी खबर सामने आई है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं होने वाले थे, इस वजह से इस बैठक को फिलहाल टाल दिया गया है। खबर ये भी सामने आई थी कि अगर ये बैठक होती तो उसमें सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होती। फिलहाल बैठक की अभी नई तारीख सामने नहीं आई है। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि अब इसके बाद कौन सी नई तारीख सामने आती है, जो दिन इंडिया अलायंस की 4th बैठक होगी। तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साफ कह चुकी हैं कि उनको इस मीटिंग के लिए नहीं बुलाया गया है, तो ममता बनर्जी भी इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगी। देखिए, खुद का स्वार्थ निभाने के लिए, सब अपना स्वार्थ के लिए इंडिया गठबंधन में उन्होंने मतलब सूत्रधार होकर काम किया था। जब देखा देश में कांग्रेस का जो वस्तु भी अभी नहीं है, अभी देखा 3 राज्यों में जो देखा, जो रिजल्ट दिखा है 24 का, उसको जो क्या आ रहा है, क्या तूफान आ रहे है, इसको मालूम हो गया, क्या साइक्लोन, मोदी जी का जो साइक्लोन आ रहा है ये मालूम हो गया है। इसलिए खुद बचने के लिए ये सब कर रहा है, CBID से बचने के लिए कांग्रेस के पास गए थे, लेकिन इसको कोई नहीं बचा सकते है। जितना उन्होंने करप्शन किया है, मोदी जी ने बोला है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसके पार्टी के साथ भी ऐसा होगा, जो करप्टेड लोग है उसका शास्ति होगा और जेल में जाएगा। इसका मतलब ये है कि इंडिया गठबंधन एक तरह से बिखराव की ओर है। हाँ, ये तो 2019 में भी हुआ था, महागठबंधन किया था उन्होंने, 2-3 महीने बाद अपने अपने लोग अपने अपने रास्ता में चला गया था, इस टाइम में भी ऐसा ही होगा। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो ज्यादा महीनों का वक्त लोकसभा चुनावों में नहीं बचा है, और इन परिणामों को देखकर इंडिया अलायंस को अब जल्द से जल्द कुछ ना कुछ एक बड़ा फैसला करना होगा। 3 में ही बुरी तरीके से इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस कहीं ना कहीं हारती हुई दिखी, और हर इंडिया अलायंस के नेताओं ने कांग्रेस को ही उस वजह बताया है कि कांग्रेस की कुछ गलतियों की वजह से ही 3 राज्य कांग्रेस अपने हाथों से गवा बैठी।